बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की बादशाह आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। जब फिल्म का ट्रेलर आया था उसे देखकर ही लोगों को एहसास हो गया था कि ये फिल्म फुल ऑन धमाका करने वाली है। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म है। फिल्म की कहानी सोने से भरे ट्रक को देश के खजाने से बचाने की कोशिश करती एक महारानी की है और इस काम में अजय देवगन, इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता और संजय मिश्रा उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। फिल्म का प्लॉट 1975 के दौर का है जब देश भर में आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी। बादशाह एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। मिलन लुथरिया के डायरेक्शन में बनी बादशाह को लेकर क्रिटिक्स का क्या कहना है, चलिए हम आपको बताते हैं। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सभी किरदार आपको एक अलग अंदाज में देखने को मिलेंगे। सभी अपने स्टाइल से हटकर इसमें एक्टिंग कर रहे हैं। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि फिल्म की कहानी को रजत अरोरा ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और इसके एक्शन सीक्वेंस शानदार हैं। इतना ही नहीं, फिल्म में शानदार डायलॉग, चेस करती हुई गाड़ियां, धूल उड़ाते रास्ते, ये सभी चीजें आपको 90 के दशक की याद दिलाने में कामयाब रहेगी। बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो रश की कमर पहले से ही लोगों की जुबा पर है और सनी का हॉट आइटम भी आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बात करें फिल्म में स्टार्स की एक्टिंग की तो फिल्म में सभी ने शानदार काम किया है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप प्यार, धोखे और एक्शन जैसे मसालों से भरपूर फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। बता दें कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए हैं। खैर, देखना दिलचस्प रहेगा कि ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका करती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।